अभी अब कल मुझे राइड पर जाना है, ये कोपरो सब लेकर मैं बैठा हूँ और अब ये टिंडी घाट ने मुझे बिठा दिया। अभी अब मेरा यहाँ कितना टाइम वेस्ट होगा, कल राइड पे जाना है, वहां पर हेलमेट रेडी है, तो अब मैं ये गोपरो ये सब का काम करूँ या ये करूँ? चलो कोई बात नहीं, फटाफट इसे मैं कटिंग चॉपिंग कर लेता हूँ और फिर वापस अपने काम पर लगता हूँ। मैं उठा और मैं आगे के रूम में आके मैंने देखा तो ये अमीर ने क्या किया हुआ है, समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों करता है। ये इसने तीसरा पॉट है जो इसने ये तोड़ा है, पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया और सब कांच कांच इधर उधर। तो अब ये एक काम बढ़ा दिया। सो है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरर नजीफ ऑफिकाइट। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो पौधा है ठीक है, इसको उठा के उसमें डाल देता हूँ, तो फिर इसकी भी बेचारे की जान बच जाएगी और वहाँ पे भी एक पौधा बढ़ जाएगा। तो अभी ऐसा करता हूँ। सो है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज संडे है, और संडे है सो राइड है, राइड है तो फिर मज़ा है, तो फिर उसी चीज़ को लेकर आज एक राइड हो रही है और वो शॉर्ट राइड होने वाली है ऑब्वियसली। तो कहीं पर गाड़ी लेकर शॉर्ट राइड के लिए निकलते हैं। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज की सोलो राइड नहीं है, आज है शब्बीर भी साथ में है, एक सादिक करके जो फ्रेंड है वो भी साथ में आ रहा है, और एक दूसरा मेरा फ्रेंड है, तो हम लोग टोटली 4 लोग जा रहे हैं। सो 4 लोग है, शायद 3 बाइक है या फिर 2 बाइक पे 4 लोग होंगे, आई डोंट नो। मेरी बाइक तो रेडी है, वो लोग क्या करते हैं वो पता नहीं, बट आई थिंक कि वो लोग भी अपनी अपनी बाइक लेंगे। सो टोटल 3 बाइक हो जाएगी। ऐसे कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है बट हाँ अच्छी जगह है, तो आप लोगों को मज़ा आएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। कैमरा मैंने चार्ज में रखा, मैंने देखा कि भाई कोपरों की कितनी चार्ज है। सो लास्ट टाइम जो वलसाड गया था तो वहाँ से आके मैंने चार्ज में रखा था, क्योंकि कुछ वीडियोस मुझे एक्सपोर्ट करने थे, तो अभी 70% बैटरी है, फिर भी मैंने थोड़ा चार्ज में रखा है। जिससे टाइम होगा 9 बजे मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, वहाँ तक जितना चार्ज होगा उतना सही है, उसके बाद मैं उसे निकाल लूँगा। और ये देखो कैसे पड़ा है। एक फोटो ले लेता हूँ। तो इसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और ये रात को जगता रहता है, हम लोग सोए होते और ये सुबह में, अब ये सुबह में सोएगा है ना हेमो, ये सुबह में अब सोएगा। आज कुछ ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि शॉर्ट राइड है, तो सिर्फ ग्लव्स है और ये हेलमेट है। और ये हेलमेट में ऐसा है कि ये जो रेम्बो वाला जो वाइज़र है, सो वो वाइज़र में सनग्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं सनग्लास नहीं लेता हूँ। और अभी बाल वाल भी सेट है, सो उसके चलते मैं अभी कैप भी नहीं लेता हूँ। मैं कैप कभी बार इसीलिए लेता हूँ कि बाल बड़े हो जाते और हेलमेट पहनते हैं तो बाल इधर उधर बिखर जाते, तो अच्छे नहीं लगते शूटिंग में, तो अभी तो ऐसे छोटे होते तो चल जाते, तो अभी मैंने कैप भी नहीं ली। सो बस ये 2 चीज़ें हैं, तो अब बने रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आने वाला है। कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ फन करते हैं, कुछ राइड करते हैं और इसी तरीके से आज की राइड एंजॉय करते हैं। बाय द वे, आज मैंने एक्सप्लोरर नजीफ वाली टी शर्ट पहनी है, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मैंने नई जो टी शर्ट जो आई थी यूट्यूब वाली, वो वाली टी शर्ट मैंने पहनी है। सो लेट मी शो यू गाइज, यहाँ रखता हूँ तो दिखेगी। ऑल राइट, नाइस। ठीक है, सो आज की जो ये वाली जो टी शर्ट है वो टी शर्ट यूट्यूब वाली है, तो आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो सोच रहा था आज मैं ये पहनूं, और बहुत अच्छी लग रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरा नाम टी शर्ट पे है। सो आई फील सो प्राउड। हाँ थोड़ा ऐसे रखो जी मैडम, थैंक यू, रुक जा। सो है गाइस, राइड स्टार्ट हो चुकी है और बस हम लोग निकल चुके हैं आगे की ओर, और पेट्रोल पुरवा लिया, बहुत सारी गर्मी लग रही थी और एक जन आगे था तो बच गया, बट अच्छा लग रहा है, अभी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है।
और आज का एनर्जी लेवल इज सो हाई। और ये दोनों दोस्त सब्बीर और सादिक आए हुए हैं राइड में साथ में, तो हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट राइड, हम लोग एक शॉर्ट राइड जा रहे हैं इस तरफ भरूच की साइड। अब देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे, क्या है, कहाँ से टर्न मारेंगे, क्या नाश्ता करेंगे, क्या खाएंगे, वो सब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस। आज मुझे बहुत दूर वाली राइड करनी थी, लेकिन एक फैमिली फंक्शन है, सो दैट्स वाई मैं वहाँ पर नहीं जा पाया उधर, वरना मुझे बहुत दूर जाना था और बहुत अच्छा लगता और मज़ा भी आती। बट अब जो हुआ वो ठीक है, शॉर्ट राइड भी चलेगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो वेदर अच्छा है तो बस अब राइड पे राइड करनी ही करनी है, अब मज़ा आ जाएगी। रोड का काम चालू है, अगर आप सूरत से ओलपाड़ तरफ आते हैं तो आप देख लीजिएगा, रोड का काम यहाँ पर चालू है, सो थोड़ी बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगी तो उस हिसाब से आप घर से निकलिएगा। सो मौसम की जानकारी दी जाए आप लोगों को, तो आसमान साफ नहीं है, बादल है, और वो बादल जो है वो बारिश लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं, और क्लाउडी वेदर है और नॉर्मल से ठंडी हवा है, अच्छा लग रहा है, रोड अच्छे हैं। एंड वेलकम ऑन बोर्ड BMW GS एडवेंचर, एंड होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी वार्म अप करने के लिए मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा हूँ, 50-60, जरा अच्छा रोड आएगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊँगा। यहाँ पर और एक पेट्रोल पम्प खुल गया, क्या बात। कभी कभी मन होता है कि सारी फुटेज मैं शूट करूँ और आप लोगों को बताऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी फुटेजेस आ जाती है और फिर जो वीडियो है, जो शूट किए हुए वीडियो है, वो एक्सपोर्ट करने में भी टाइम लगता है, मोबाइल में लेना है और उसके बाद फिर अपलोडिंग और उसके बाद एडिटिंग और फिर वो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं आपको थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी फुटेज बताना चाहूँगा। मेरे व्लॉग देख रहे हैं और आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना, ऐसा करना चाहिए मुझे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर मेरा जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल, आप उस पर मुझे बता सकते हैं कि ये नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द सेम, राइट। कितनी भी राइड करता हूँ ये गाड़ी पर थकान नहीं लगती है, गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और टूरिंग बाइक है। सो जो मेरा डिसीज़न था ये बाइक लेने का, तो वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर कोई और बाइक लेता तो उसमें बैक पेन और वो सब हो सकता है। सो सुपर बाइक ना लेते हुए मैंने ये ली, सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं दूसरी सुपर बाइक ले लेता हूँ, ठीक है, चलो मानो अगर ये नहीं होती, सिर्फ सुपर बाइक होती, तो मैं ऐसे ही 50-60 किलोमीटर की राइड कर पाता, दूर भी जाता, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है सुपर बाइक का वो ऐसे चलाने वाला है, ठीक है, और मेरा जो है स्ट्रक्चर वो बैक ऐसे रहता है और सुपर बाइक में बैक ऐसे रहता है, सो वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट्स वाई ये अपना जो T-Rex है ये माशाल्लाह बहुत बढ़िया है और वाकई में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि गोवा की राइड पर जो गया था गाड़ी ने एक मचक नहीं मारी, कुछ भी इसमें नहीं हुआ। सो अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक किस चिली चीज़ के लिए है मैं बोलता हूँ, ये गाय की वजह से है, क्योंकि ये है ना अभी ये टाइम पर रोड पे ही चलती है और सब लोग उसे गाय को मतलब घुमाने के लिए निकलते हैं, सो उस वजह से ये रोड पे चलती है। देखो वो भैंस वहाँ पर चल रही है सामने, सो दैट्स वाई यहाँ पर ट्रैफिक हो रही है। और ये आगे ऊपर से ट्रक आ गया है, क्या यार क्या करेंगे, सही में यार जितना सोचा था उससे अच्छा मौसम है। आए हाय, 80-90, अभी 100 पर ये रोड पर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि कभी भी बीच में भैंस गाय आ सकते हैं, सो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, सो उसको चलते हम 80-90 बराबर है। अरे ये वाले बम्पर तो कुछ नहीं है ये गाड़ी के सामने, इससे बड़े बड़े खड्डे मैंने वहाँ गया था गोवा वहाँ पर मैंने डाली थी, कुछ नहीं होता, ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, जस्ट लुक एट दैट, नाइस इजंट इट।
वक्त हो चुका है 9:30 और यहाँ पर गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्यों। वलसड वाली राइड पर तो मुझे गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं भी वो नेशनल हाईवे था, बट आई थिंक कि ये अंदर से रास्ता है, छोटा रास्ता है, बट यहाँ पर जिस हिसाब से ग्रीनरी है उस हिसाब से तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बट फिर भी ये जो सूरज सामने है तो डायरेक्टली जो सन रेज है वो मेरे ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर लग रहे, बट मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं पहना है, बट चलेगा क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा बहुत तो भाई लगेगा, और ठीक है उस हिसाब से फिर। बट क्या नज़ारा है यार, कदाच आप लोग शायद ये फुटेज देख पाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपके पास बड़ा टीवी है, ठीक है, कोई भी ब्रांड का, और उसमें अगर मेरा व्लॉग आप चला दो तो आप बोलोगे कि ये क्या देख रहा हूँ या क्या देख रही हूँ, इतना बढ़िया नज़ारा। पैसा वसूल। अभी सूरज जैसे के ऊपर है तो उस हिसाब से जो बादल है और जो यहाँ पर झाड़ है तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कैमरे में और अच्छा आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गुड एडवांटेज, अगर फोटोग्राफी करनी है सो ये बेस्ट टाइम है, एकदम ब्राइट और अच्छी फोटोग्राफी होगी। और सब्बीर और सादिक हस्कवरना पे है, ये वाली जो हस्कवरना है वो सादिक की है जो कि स्क्रैम्बलर है, तो वो लोग आज इस पर आए हुए हैं। तो सादिक को बहुत वक्त से राइड करनी थी कि मैं बोला चल भाई इस बार तू आ जा तो अपन राइड करते हैं, मज़ा आएगी। तो बारिश बहुत जल्द आने वाली है, इंशाल्लाह आएगी, बहुत बढ़िया आएगी और बहुत ज़ोर शोर से इस बार बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है। तो सॉरी, तो GoPro का जो प्रोटेक्शन फ्रेम होती है उसका जो प्लास्टिक का पूरा आता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी रिसर्च नहीं किया है, बट शायद उस पर एक प्लास्टिक आता है जो कि पूरा उसको ऐसे पैक करके लगा देना होता है ताकि पानी वानी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ लेंस उसका खुला रहता है ताकि वो फुटेज अच्छी आए। तो एक वो वाली चीज़ ले लूँगा और एक अच्छा वाला रेनकोट लेना है जिससे पानी वानी अंदर जाए नहीं और मज़ा आए। देखो ये फिर से यहाँ पर गाय भैंस आ चुकी है, कोई भरोसा नहीं, ये कभी इधर उधर कभी भी भाग सकती है और आपको बहुत खराब नुकसान डैमेज होगा क्योंकि ये बहुत हैवी जानवर है ना, तो मतलब उसका पैर भी लगेगा तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, और गाड़ी वाड़ी तो ऐसे ही टूट जाती है, फोर व्हील में तो इतना बड़ा डेंट पड़ता है अगर गाय या भैंस ने इधर उधर कर दिया, मतलब फोर व्हील की तो हाँ बनी। बहुत तेज़ नहीं जा रहा है ये ट्रक वाला, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ 2 किलोमीटर से, बहुत इधर उधर चला रहा है, मैं इसीलिए इसे ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। ऑर्डर दिया हुआ है, अभी हम गोटे बन रहे, भजिए बन रहे, क्या ऑर्डर है यहाँ पर शब्बीर ले रहा है। तो अभी जो 50 किलोमीटर था बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आई, और अभी जो कि हासोट गांव है उसमें हम लोग हैं यहाँ पर, और गर्मा गर्म भजिए और यहाँ का जो फेमस गोटा है वो भी यहाँ पर आ चुका है, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, जो कि हासोट में ये सबसे फेमस है और इसका नाम डिटेल जो है वो मेन यहाँ पर 3 रास्ते पर है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पर मैं पहले आया था खाने, काफ़ी पहले आया था, तो सोच रहा था कि एक बार वापस जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ये लोग ने तो स्टार्ट कर दिया खाने का, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि गर्मा गर्म है। बचपन निकल गया, कितने मालिक बदला गया। नाइस। जो कि आज संडे है और वैकेशन भी चल रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा है। अगर नॉर्मल डेज होते हम यहाँ पर आते हैं तो मतलब तुरंत ही हमें मतलब मिल जाता है, ठीक है, अच्छा, क्वाइट नाइस एंड टेस्टी। बाय। रास्ते में वो जब बारिश जैसा हो गई ना, कैसी मज़ा आ रही थी, वो एकदम जोरदार। तो गर्मा गर्म भजिए खा लिए गए हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं सूरत की ओर।
सो सोच रहा था यहाँ पर केरी का रस पी लूँ क्योंकि ठंडक रहेगा और अच्छा रहेगा। देखो ये बढ़िया केरी का रस है, देखो वाओ। ले सो केरी का रस है, मस्त है, अच्छा लग रहा है। गर्मी में थोड़ा ठंडा पिया तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तीखा खाया तो अब थोड़ा सा ठंडा पीते हैं। सोडा पीनी थी बट वो नहीं पीनी, केरी का रस पीकर और मैं आगे की ओर निकलता हूँ और ये व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो बस इसी के साथ मैं व्लॉग को ख़त्म करूँगा और अब रिटर्न जाऊँगा, क्योंकि फैमिली फंक्शन है तो उसकी वजह से मुझे वक्त पर पहुँचना है, तो शायद मैं रिटर्न का शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। सो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।